हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडो वेस्ट किचन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए मूसली। ये रेडीमेड पैकेट मिलता है वैसे तो, पर मैं इसको घर में बनाकर दिखा रही हूँ आपको। तो इसके लिए मैंने ओट्स लिए हैं 1 कप, बादाम आधा कप, 1 कप कॉर्नफ्लेक्स, 1 से 2 चम्मच ब्लैक किशमिश या फिर अफगानी किशमिश, 2 चम्मच चेरी रेड चेरी और 1 चम्मच सिंपल किशमिश और थोड़ा सा शहद आवश्यकता अनुसार। अब हम इसमें सबसे पहले ओट्स को थोड़ा सा ड्राई भूनेंगे। अब हम सबसे पहले ओट्स डाल देंगे और गैस को सिम करेंगे और तब इसको भूनेंगे। इसमें से हल्की सी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो ओट्स हमारे भुन चुके हैं। अब इसमें हम बादाम डाल देंगे। ये बादाम मेरे भुने हुए हैं बिना नमक के, आप अलग से कढ़ाई में भून कर डाल दें। इनको तोड़ना नहीं है, ये साबुत ही डलते हैं। अब इसमें ये कॉर्नफ्लेक्स डाल दें। इसको हम करीब 30 सेकंड तक रोस्ट करेंगे। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसमें हम बारी बारी से सभी किशमिश डाल देंगे। ये काली किशमिश, चेरी और सिंपल किशमिश। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब सबसे लास्ट में हम इसमें हनी डालेंगे, यानी कि शहद डालेंगे और 1-1 चम्मच करके डालेंगे। मार्केट में जो मूसली मिलती है उसमें हनी बिल्कुल नहीं होता है, उसमें चीनी का सिरप बनाकर डालते हैं। अब जब ये तैयार हो जाएगा तब आप इसको दूध में डालकर खाएंगे, तो आपको चीनी डालने की कोई जरूरत नहीं है। ये अपने आप में एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट है। ये शहद इसमें सब चीजों में लग जाना चाहिए और लेकिन लड्डू सा भी नहीं बनना चाहिए, खिला खिला भी रहे। ये कुछ इस तरह का होना चाहिए। ये चम्मच से ऐसे गिर रहा है। अब मूसली हमारी तैयार है। आप इसको बनाकर 1 महीने तक के लिए रख सकती हैं। एयर टाइट डब्बे में रख दें, बाहर भी ये खराब नहीं होगा।
और इसको ठंडा करने के बाद ही भरें। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।